चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ अन्य खबरों का जिक्र करेंगे। इंदौर की बात करते हैं, ट्रेन में बैग में मिली महिला की लाश की मर्डर मिस्ट्री अभी भी सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है। शव मिलने के 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। वहीं महिला की पहचान के लिए उज्जैन में पुलिस ने पोस्टर लगवाए हैं, साथ ही महिला के बारे में जानकारी देने वालों को 10,000 का इनाम भी देने का ऐलान किया गया है। तो महिला की लाश पाई गई थी और शव के टुकड़े जो है मिले थे और हाथ पैर ऋषिकेश में मिले थे। इसी मामले में अब तक कुछ सुराग नहीं मिल पाया है कि आखिर महिला कहां की रहने वाली थी, कौन थी, किसने घटना को अंजाम दिया। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये पूरी मिस्ट्री जो है उलझती हुई नजर आ रही है, अब तक कुछ भी सुराग हाथ पुलिस के नहीं लगा है, अब तक क्या कहना है प्रशासन का? जी देखिए, शनिवार को इंदौर रेलवे जीआरपी पुलिस को सूचना मिली थी कि रेल की एक बोगी में जो है बदबू आ रही है। इसके बाद पुलिस ने जांच की तो पता चला कि महिला के आधे अंग उसमें पड़े हुए थे बैग के अंदर। और इसके बाद पुलिस जांच कर ही रही थी कि दूसरे दिन पुलिस इंदौर जीआरपी पुलिस को पता चलता है कि ऋषिकेश में भी महिला के कुछ अंग जो है मिले हैं। ऋषिकेश जो ट्रेन उज्जैन इंदौर से चलती है, उज्जैन आती है और उज्जैन से ऋषिकेश जाती है। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि पुलिस को ये पता चला है कि नागदा से आने वाली ट्रेन और इंदौर से ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन दोनों एक ही समय पर उज्जैन रेलवे स्टेशन खड़ी हुई थी। उसी दौरान जो है महिला के जो आधे आधे शरीर के जो हिस्से हैं वो यहीं पर बदले गए होंगे। इसी को देखते हुए पुलिस पूरे विषय पर जांच कर रही है। 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेनें आमने सामने खड़ी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि पुलिस जिस जगह पर जो डब्बे खड़े हुए थे उसी जगह पर जो है कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन कैमरे बंद पाए जाने के कारण पुलिस को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि हम पूरी तरीके से जांच तो कर रहे हैं, कैमरे जगह जगह खंगाल रहे हैं, लेकिन पुलिस का ये भी अंदेशा है कि नागदा से लेकर उज्जैन और उज्जैन से लेकर इंदौर इस बीच के रास्तों में जितने भी स्टेशन हैं उनकी भी उन पर लगे हुए कैमरों की जाँच की जा रही है। लेकिन पुलिस का ये मानना है कि जिस तरीके से महिला के हाथ पर जो मीराबेन लिखा है और गोपाल भाई लिखा है, कहीं ना कहीं महिला जो है मजदूर वर्ग है और मेघनगर गुजरात के आसपास की रहने वाली बताई जा रही है। तो फिलहाल पुलिस ने एक जो है पेम्पलेट जारी किया है, उसमें सूचना देने वालों को 10,000 रुपये की जो है घोषणा की गई है। इसी के साथ पुलिस मेघनगर पुलिस को लेकर और इंदौर जीआरपी पुलिस ये दोनों जो टीम बनाकर इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। फिलहाल उज्जैन पुलिस भी अपने स्तर पर ये पूरे मामले की जाँच में जुटी है, जगह जगह जो कैमरे लगे हैं उसकी जाँच की जा रही है। जी ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अजय जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और